अब बढ़ते अगली खबर की तरफ हाल ही में महाराष्ट्र और देश के एक समाज सेवक बाबा आमटे जो लिप्रोसी नामी बीमारी जिसे कुष्ठ रोग भी कहते हैं जिसमें लोग स्किन की बीमारी से दो चार होते हैं उन्हें पहले समाज से अलग रखा जाता था ऐसे ही लोगों का इलाज करने के साथ साथ उन्हीं पेशेंट के बीच अपनी पूरी जिंदगी बिताने वाले बाबा आमटे की पोती और महारोगी सेवा समिति की सीईओ ई डॉक्टर शीतल आमटे जो बाबा आमटे की इसी समाज सेवा के काम से जुड़ी थी उन्होंने अपने घर पर ही जहरीला इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया इसकी वजह पूरी तरह से सामने नहीं आई है पर बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से डिप्रेशन में थी उनकी मौत के बाद उनका एक दो का वीडियो इंटरव्यू जो मराठी में है अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिसमें शीतल आमटे अपनी ज़िंदगी के मकसद से जुड़े सवालत को लेकर काफ़ी परेशान थी उन्होंने उस वीडियो में बताया कि तो उनकी खुशहाली और आलिशान जिंदगी के बाद भी उन्हें हर वक्त अपनी ज़िंदगी का मकसद क्या है यह सवाल सताया जाता है इसी मकसद को सोचते ही वो मरने से पहले कुछ अच्छे काम अपने पीछे छोड़ जाना चाहती थी जबकि उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से अच्छे काम किए लेकिन इन सारे अच्छे कामों के बावजूद उन्हें दिमागी सुकून नहीं मिल पा रहा था और बताया कि दुनिया का अमीर से अमीर इंसान कितना भी पैसा खर्च कर ले फिर भी उसे दिमागी सुकून नहीं मिल सकता आखिरकार उन्होंने इस वीडियो में कहा कि जिंदगी से जुड़े इन सवाल की सोच की वजह से उन्हें सुसाइड करने का ख्याल पैदा होता है और आज आखिरकार उन्होंने सुसाइड कर लिया बड़ी अजीब बात है आज अच्छे काम करने के बावजूद भी लोगों को चैन सुकून नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि अच्छे काम क्यों करना है और बुरे काम से क्यों रुकना है अगर इंसान के दिल में इस बात का यकीन होगा कि हम इस दुनिया में जो भी अच्छा और बुरा काम कर रहे हैं उसका हिसाब देना है तो इंसान हर अच्छा काम करने के बाद सुकून हासिल करेगा बुरे काम से बचने की कोशिश करेगा और दीन इस्लाम में भी जिंदगी का यही मकसद बताया गया कि हर इंसान सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया है और दुनियावी जिंदगी उसकी आखिरत की जिंदगी के लिए एक आजमाइश है अल्लाह देखना चाहता है कि इस दुनिया में कौन अच्छे काम करता है और कौन बुरे काम और एक इंसान को सुकून तभी हासिल होगा जब वो आखिरत पर और अच्छी और बुरी तकदीर यानी नसीब पर ईमान और यकीन रखेगा क्योंकि इस्लाम सिखाता है कि जब जिंदगी अच्छी गुजर रही है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और परेशानी में सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखते हुए गुजारें अगर इंसान इन दो चीज़ों को समझ जाएगा तो उसे जिंदगी अच्छी और दिमागी सुकून के साथ गुजारना आसान होगा ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें